दोस्तों, इस वीडियो में हम जांच एजेंसियों का जिक्र करने वाले हैं क्योंकि 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है और जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। क्या क्या आरोप लग रहे हैं इसके बारे में तो आपको बताएंगे ही, ये भी आपको जानकारी देंगे कि दरअसल इस देश की वर्तमान स्थिति क्या है और आने वाले वक्त में क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले बात हम दिल्ली से कर लेते हैं। तो कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। ईडी ने बुधवार सुबह संजय सिंह के घर पर छापेमारी की थी। अब कई घंटों तक पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी खबरें कुछ समय पहले निकलकर सामने आई थी जो मैं आपको अब बता रहा हूं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, दोनों फिलहाल जेल में बंद है। ईडी की रेड पर राजद नेता मनोज झा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि दुख जरूर होता है, आश्चर्य नहीं हुआ, अब ये सिलसिला चलेगा चुनाव तक। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की टीम ने घोषणा कर दी, आज ही नहीं कई हफ्तों से कि अधिकारी घोषणा हो गई है चुनाव की। कल न्यूज क्लिक के ठिकानों पर तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर। जी हाँ, राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रणाम महामानव जी को और उनके सहयोगियों को, अब आप यही करेंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं कि हांडी भर चुकी है, फूटने वाली है, लेकिन इन संस्थाओं के चरित्र को आपने खराब किया है। जी हाँ, जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन जिसमें ईडी आईटी सीबीआई, इस मामले में ईडी ने की, स्याह दिनों का दौर शुरू हो चुका है। कल न्यूज क्लिक के से जुड़े तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर। पीछे की पृष्ठभूमि देखिए कि बिहार की जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है, प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाए हुए हैं, पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट भी करना है, विपक्ष के लोगों को डराना भी है। ये सिलसिला मैं जानता हूं हमारे प्रतिकार के बावजूद चलेगा क्योंकि उनके राजनीतिक उपकरण अब उनके पास कुछ नहीं बचा, शब्द नहीं, भाव नहीं, कहने को कुछ नहीं, देने को कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? विपक्ष के तमाम दलों को लोग बताएं कि क्यों विपक्ष के दलों को, एक एक नेता को लगातार टारगेट किया जा रहा है डराने के लिए। तानाशाही के इस दौर में जो डर गया वो मर गया, तानाशाह खुद डरे हुए हैं और इस डर का प्रतिकार बहुत जल्द होगा। कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों पर मनोज झा ने सवाल उठाए हैं, जो कांग्रेस से वो भी लगातार सवाल उठाती रही है कि दुरुपयोग हो रहा है जांच एजेंसियों का। राहुल गांधी कई मर्तबा कह चुके हैं कि किस तरह से मोदी सरकार जांच एजेंसियों को अपने हिसाब से चलाती है, विपक्षों को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाता है, बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन क्या किया जाए, सवाल ही उठते रहेंगे, लेकिन इतिहास में सारी चीजें लिखी जा रही है कि सरकार ने क्या किया, उसका परिणाम क्या हुआ, जांच एजेंसियों के ऊपर कितने सवाल किस सरकार के दौरान उठे, ये सब कुछ याद रखा जाएगा और वक्त आने पर बताया भी जाएगा कि वो सरकार थी उसने ये किया था, वो सरकार थी उसने यह किया था। दरअसल एजेंसियां स्वतंत्र होना चाहिए, पूर्णतः स्वतंत्र, और सरकारें कहती भी है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, जो गलत करेगा वो भरेगा, लेकिन जितने छापे, जितने कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं मामले हुए हैं, उनको आप गूगल कीजिएगा तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा कौन लोग टारगेट पर आए हैं विगत 8-9 सालों में, आप पता कर लीजिएगा। चलिए अब हम दूसरी खबर पर आ जाते हैं। तो बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है। समाचार एजेंसी पीटीआई और एएनआई के अनुसार ईडी ने छत्तीसगढ़ के महादेव बेटिंग एप्लीकेशन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में रणबीर कपूर को समन किया है। अधिकारियों के हवाले से पीटीआई ने लिखा है कि रणबीर कपूर ने कथित तौर पर ऐप के प्रमोटरों से पैसे लिए थे, ये पैसे ऐप के प्रमोटर की शादी में परफॉर्म करने की एवज में लिए गए थे। जी हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं रणबीर कपूर के पास भी जांच जा पहुंची है। चलिए अब दुख भरी खबर पर हम बात कर लेते हैं। तो उत्तरी सिक्किम में बादल फटने से तिस्ता नदी में अचानक
बाढ़ के बाद सेना के 23 जवान लापता है। जी हाँ, गुवाहाटी में मौजूद सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बीबीसी से इस घटना की पुष्टि भी की है। इस समय लापता जवानों को तलाशने के लिए इलाके में अभियान जारी है और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने स्थिति का जायजा लिया है। सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि उत्तरी सिक्किम में लहनौक झील पर अचानक बादल फटने के कारण लाचेन घाटी के पास स्थित तिस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इसके अलावा चुंगथांग बांध में बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नीचे की ओर से 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जल स्तर अचानक से बढ़ गया। इसके चलते ये घटना घटी है। हम कामना करते हैं ईश्वर से के जो जवान है वो सकुशल मिल जाएं और बेहतर होगा, क्योंकि बहुत बड़ी घटना होती है। 23 जवान अगर अभी इस तरह की स्थिति में है तो एक कपकपनी छूटने लगती है कहीं ना कहीं। चलिए, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं। चलिए अब अगली खबर पर आ जाते हैं, जो भड़ास फॉर मीडिया के संस्थापक यशवंत सिंह से जुड़ी हुई है। यशवंत सिंह 30 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में हैं, बेहतरीन इंसान है, बेखौफ लिखते हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात अपनी वेबसाइट पर रखते हैं और पत्रकारों के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं। उनके साथ एक मामला हुआ है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा है और सोशल मीडिया पर काफ़ी तरह की बातें भी हो रही है। उन्होंने अपने भड़ास फॉर मीडिया के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाया है, उसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। तो दिल्ली पुलिस ने थाने बुलाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर दी है। उन्होंने दरअसल जो दुर्व्यवहार हुआ है, उनका फोन जो जब्त किया गया है, उसको लेकर पुलिस कमिश्नर दिल्ली से पत्र लिखकर पुलिस वालों की शिकायत भी की है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गरमाया हुआ है। आखिरकार एक पत्रकार के साथ इस तरह का बिहेव हुआ तो फिर आम जन के साथ क्या होता होगा। दरअसल एक और बात सभी को समझना चाहिए कि सत्ता कभी भी स्थायी नहीं होती है, आती है जाती है। लेकिन इस देश में जो भी हो, जांच एजेंसियां हो चाहे पुलिस विभाग हो, उनको अपनी साख बचाकर रखना ज़रूरी है। जनविश्वास आपसे ना घटे, जनविश्वास कहीं ना कहीं आप पर बना रहे, ऐसी कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं 2014 के बाद से किस तरह से देश में माहौल हो चला है। न्यूज़ क्लिक के जो 6 पत्रकारों के ऊपर कहीं ना कहीं कल खबरें आई थी, वैसे अब मामला कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा गर्माने लगा है। ये सारी चीज़ें दुनिया देख रही है, दुनिया फिर से लिखेगी कि भारत में क्या क्या स्थितियां मीडिया की हो रही है। और एक और खबर आई है कि खबर नहीं है, एक जानकारी मिली है कि एक बड़े बेबाक पत्रकार कहे जाते हैं उन्होंने फेसबुक से अपनी पोस्ट डिलीट कर ली है जो मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए लिखी थी। क्यों कर ली है? लोग कह रहे हैं कि भाई डर गए हो क्या? तो भैया डर तो सभी को लगता है, यकीनन लगता है। क्यों नहीं लगता है ये आपको भी पता है, क्यों नहीं लगता है? जिसको नहीं लगता है उन्हें नहीं लगता होगा, लेकिन गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, इंसान सभी है। क्योंकि जो तंत्र होता ना, पूछिएगा मत। खैर, ये था वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं। जानकारियां ठीक ठाक लगती तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।